प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण और समाज गौरव सम्मान समारोह उदयपुर आयुर्वेदिक कॉलेज सभागार में हुआ। युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय चंदेल ने बताया कि समारोह में समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों को दूर करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में समाज के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर ओपी महेंद्रा, ढोलपुर करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, पूर्व सांसद मुंशी राम पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष मामचंद रिवाड़िया मंच पर उपस्थित रहे। कटिक समाज की ओर से शनिवार को प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किसी त्योहार की तरह खूब धूमधाम से मनाया गया। श्री संजय चंदेल प्रदेश अध्यक्ष युवा राजस्थान ने बताया कि भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर ओपी महेंद्रा सीपी महेंद्रा के अतिथियों में इस मौके पर कहा कि मैं आज इस सम्मान समारोह को युवा महोत्सव का नाम देता हूँ। इसी दौरान बताया कि समाज को आर्थिक रूप से समाज को संगठित होना पड़ेगा तो ही हम राजनीति में अपना दम दिखा सकते हैं और बालिका शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। कार्यक्रम में जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण किया गया। समारोह में समाज के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। पूरे प्रदेश भर से आए कुछ गणमान्य अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही सभी कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई गई तथा समाज के उत्थान के विषय पर चर्चा हुई। समाज के आदरणीय वक्ताओं ने आज के युग में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। भाजपा एससी मोर्चा एवं अखिल भारतीय खटिक समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ओपी महेंद्रा ने कहा कि शिक्षा से समाज आगे बढ़ेगा, एकजुटता का आह्वान किया। सतर्क प्रयास और समाज के प्रति समर्पण और लगन से बहुत ही कम समय में प्रदेश स्तरीय समाज का इतना विशाल भव्य सम्मेलन रखकर समाज और अखिल भारतीय खटिक समाज युवा प्रकोष्ठ राजस्थान इतना गौरव महसूस कर रहा है कि आने वाले समय में हम समाज में एक नई जागृति पैदा करेंगे और समाज में शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास करेंगे। इस युवा महोत्सव में मैं युवा प्रकोष्ठ के शपथ ग्रहण समारोह की बजाय इसे मैं युवा महोत्सव का नाम दूंगा, क्योंकि ये जितने भी तमाम लोग बैठे हैं यहाँ मंचा सेना जो हमारे मुख्य मेहमान हैं, उनको छोड़कर 95% लोग यहाँ पर युवा हैं। एक बहुत ही बड़ा समागम जो है ये युवाओं का है और इसके साक्षी बन रहे हैं हमारे समाज के गौरव।